हाई गाइज हव यू ऑल मेरा नाम अंकुर है एंड आई एम अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट अब्लिक स्पीकर एंड अब्लिश ऑथर आई यू गाइज रेडी टू स्पीक इंग्लिश विद मी हम उसके लिए ही आज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं और आज हम सीखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश टू एडवांस लेवल इंग्लिश पे कैसे जाए सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टूडे एंड वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश फ्रेजेज कॉमनली यूज सेंटेंसेज फ्यू इडियम्स एंड मेनी मोर थिंग्स सो लेट्स बिगिन फर्स्ट इज ओ माई गोश ओ माई गॉड को आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं विद डिफरेंट फ्रेजेस ओके सो दुड बी ओ एम जी आई आई गेस आपने ये सुना ही होगा ओ एम जी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ओ माई गॉड ओ गोश क्या आपके साथ ऐसा हुआ गुडनेस ग्रेशियस मी ओ माई गुडनेस ओ माई होली मोली होली क्रैप सो होली मोली एंड होली क्रैप जब वो आप फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं बिकॉज ये स्लैंड टर्म्स है जो कि आप बिजनेस uh, मॉडल में नहीं यूज कर सकते हैं या फॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं यूज कर सकते हैं बाकी आप यूज कर सकते हैं देर वुड बी नो प्रॉब्लम विथ दैट एंड देर आर फ्यू मोर कुछ और भी हैं अभी उनकी बात करते हैं होली काव ओ मैन ओ बॉय ओ बॉय तो अगर आप वेब सीरीज देखते हैं तो उसमें आपने ओ मैन ओ बॉय आपने देखा होगा एंड फॉर हैवेन सेक फॉर गुडनेस ग्रेसियस फॉर गुडनेस सेक ओ डर गुड लॉर्ड ओ लॉर्ड गॉश एल माइटी तो ये कुछ है रिप्लेस uh, oh करके यूज कर सकते हैं बिकॉज ओ माई गॉड इज वेरी कॉमन नाव उसकी जगह उसको एक एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए आप आउट ऑफ दी सिक्सटीन यू कैन यूज एनी एंड आफ्टर दैट व्हाट वॉट का मतलब होता है क्या जैसा हमें पता है बट वॉट ंग तो आप बोलते हैं क्या तो उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं इज सॉरी पार्डन पार्डन मतलब रिपीट करने के लिए आप बोल रहे हैं उनको क्या पार्डन मी एक्सक्यूज मी आई बेग यू पार्डन आई बेग यू पार्डन इज बेसिकली यूज इन वेरी फॉर्मल टर्म तो आप फॉर्मल जहां पे मॉडल uh, है आप बिजनेस में ऑफिस में तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं देन इज बट बट की जगह आप यूज कर सकते हैं येट ऑल दो दो इवन दो एक्सेप्ट फॉर डिसाइड अपार्ट फ्रॉम डिस्पाइट ऑल दो इवन दो इनमें से आप कोई भी एक सिंगल यूज कर सकते हैं ये मैंने तीनों यहाँ पे एक ही में मैंशन किया हुआ है बिकॉज एक सेम कॉन्टेक्सट में ये यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर मतलब उसके अलावा बिसाइज उसकी जगह अपार्ट फ्रॉम दैट बट uh, की जगह ये भी यूज कर सकते हैं सो uh, डिस्पाइट so, uh, का मैंने बहुत जगह बताया है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है ऑफ के के नहीं लगता है इस चीज का आप ध्यान रखें नेक्स्ट इज हाउ एवर इन कॉन्ट्रास्ट नैस ऑन दी अदर हैंड हाउ एवर आप बर्ड की जगह यूज कर सकते हैं जैसे आई वॉज गोइंग टू गो टू दार्केट हाउ एवर समेस्ट अराइव एट माई प्लेस सो आई कुड नॉट गो ओके लुक like बैक का मतलब होता है थिंक अबाउट द पास्ट इंग्लिश सॉन्ग अगर आप सुनते हैं तो उसमें इसका बहुत यूज हुआ हुआ है लुक बैक आई एम नॉट गोइंग टू लुक बैक आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द पास्ट कीप यर आईज ऑन सम अपनी आईज किसी पर्टिकुलर चीज पे रखना इज बेसिकली फोकस करना किसी चीज पे टाइम टू टाइम चेक करना फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मार्केट कैन यू प्लीज वॉच माई सन और कीप आईज ऑन ऑन हिम तो आप इस तरीके से कि आप क्या पर्टिकुलर टाइम टू टाइम जाके चेक कर सकते हैं उसको ये बोल सकते हैं टू गो ओवर अगेन मतलब कंसीडर करना किसी चीज को दोबारा एग्जामिन करना सो आई वांटेड द एग्जामिन टू गो ओवर माय एग्जामिनेशन शीट अगेन कि मैं दोबारा से चाहता थी कि वो मेरी एग्जामिन करे मेरी एग्जामिनेशन शीट को वापिस से क्योंकि कुछ मिस्टेक थी हमें मार्क्स बढ़वाने थे कोई भी चीज के लिए बी पेशेंट इज धैर्य रखे होल्ड योर हॉर्सेज ये मैंने पहले भी बताया हुआ है अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट अगेन सो बी पेशेंट इज होल्ड योर हॉर्सेज वो होल्ड योर हॉर्से वाई आर यू इन सो राश वाई आर यू इन हरी आप जल्दी में क्यों है पेशेंस बनाए रखो एंड दिस इज इट ये था अभी तक का हमारा स्टडी रेलिवेंस की इंग्लिश के लिए कि आप अपने इंग्लिश को बेसिक लेवल को एडवांस पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सो so, आज आपने क्या सीखा उसके लिए एक बार रिविजन कीजिए कि आपने क्या क्या स्टडी किया किन किन फ्रेजेस को रिप्लेस करना है ओ माई गॉड बन को आपने रिप्लेस करना सीखा आपने कुछ इडियम सीखे आपने कुछ शॉर्ट फ्रेजेस सीखे सो so, जस्ट रिवाइज देम अगेन स्पीक इट अलाउड इन फ्रंट ऑफ मिररर आई ऑलवेज से की आप मिररर प्रैक्टिस कीजिए तो मिररर के सामने बैठ के जरूर प्रैक्टिस कीजिए एंड नाउ इज द टाइम फॉर सम होम वर्क जो की अभी तक नहीं आता था बट अब से आया करेगा सो so, आप यहाँ पे सेंटेंसेस में मैंने बट लिखा हुआ है आप बट को रिप्लेस करके यू विल पोस्ट इट इन दी कमेंट बॉक्स आप बट की जगह दूसरे सेंटेंस दूसरे फ्रेजेस का यूज करेंगे दूसरे वर्ड्स का यूज करेंगे जैसे हाउ एवर शी आज हिम टू स्टे हाउ एवर ही हैड टू गो टू वर्क या ऑल दो ही हैड टू गो टू वर्क ठीक है तो आप इस तरीके से रिप्लेस करके यू कैन जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल चेक और मैं चेक करके बताऊंगी आपके सारे सेंटेंसेस सही है या नहीं नाउ इज द टाइम फॉर आवर स्पेशल स्लाइड टिप्स फॉर इंटरव्यू एंड आई एम श्योर ये सबको चाहिए होता है कि हमें कंफ्यूजन होती है कि इंटरव्यू में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए कैसे बात करनी चाहिए क्या तरीका होना चाहिए एंड किस तरीके से हम एक बेटर इंटरव्यू uh, दे सकते हैं या अपने आप को एक बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं सो रिसर्च द इंडस्ट्री ऑन कंपनी जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिस भी कंपनी के लिए आप रिसर्च uh, जिस भी कंपनी के लिए आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए वहां पे एक प्रॉपर रिसर्च के साथ जाइए इंडस्ट्री के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज हो आपको और कंपनी के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज हो ताकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यूअर उनको आपके अंदर वो नॉलेज स्किल दिखे जब आप बातें करेंगे उनसे points सेलिंग the रीजन you want द जॉब कि आपको जॉब क्यों चाहिए वो आपको ही क्यूँ लें एंड आपके सेलिंग पॉइंट्स क्या है लाइक आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आई हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज आई कैन मैनेज थिंग्स इन अ बेटर वे सो कंपनी को ये सारी चीजें चाहिए होती हैं ये स्किल्स की जरूरत होती है तो यू कैन शो कि आपके मैनेजेरियल स्किल आपको कहाँ पे लाइफ में काम आए हैं कहाँ दूसरी प्रीवियस कंपनीज में आपने काम किया है अपने स्किल्स को यूज करके एक सिचुएशन को हैंडल किया है तो आप वो अपने सेलिंग पॉइंट्स को बताते हुए उससे कनेक्ट कर सकते हैं डॉट्स को प्रिपेयर फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन मी अबाउट योर सेल्फ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ व्हाट इज योर वीकनेस तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो आपके एटलीस्ट प्रिपेयर होने ही चाहिए आपके साथ में एक बेटर वे में सो so दैट वहां से ही इम्प्रेशन जो है अच्छा पढ़ना स्टार्ट हो जाए

क्लोज ऑन अ पॉजिटिव नोट कभी भी इंटरव्यू आपका रूड नोट पे या एंग नोट पे या लड़ाई नोट पे नहीं खत्म होना चाहिए इट शुड भी ऑन अ पॉजिटिव नोट है एंड कीजिए ताकि आपको कंसिडर किया जाए दूसरे लोगों copy के कंपेरिजन में ब्रिंग अ कॉपी ऑफ योर रिज्यूम टू एवरी इंटरव्यू हर इंटरव्यू में अपनी कॉपी जरूर लेके जाए रिज्यूमिंग मेक द मोस्ट ऑफ द टेल मी अबाउट योर सेल्फ टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप Uh, जितना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं दो तीन मिनट में डू दैट अपने पास से कुछ स्टोरीज उठाइए अपने वर्क एक्सपीरियंस से कुछ स्टोरीज उठाइए अपने अकेडमिक से कुछ स्टोरीज उठाए एंड पुट इट ऑल इन टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड देन प्रेजेंट इड इन बेटर वे इन अ नाइस वे दैट पीपल आर नॉट गेटिंग बोर्ड लोग उससे बोर भी नहीं हो एंड दो से तीन मिनट में आप उस चीज को फिनिश ऑफ कर सके एंड नाउ इज द टाइम फॉर आर पॉजिटिव नोट न एंड आई विल हमेशा ध्यान रखिए इस चीज का दैट नथिंग कॉल्ड रॉकेट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज रॉकेट कैन डू एनी थिंग एंड यू विल डू एनी थिंग इफ यू हैव दट यू कैन डू तो हमेशा अपने मन में उस चीज को बनाए रखिए आई कैन अचीव इट सो आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट थैंक्स टर्न गाइज फॉर बींग